अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम लोग आ गए हैं अपनी रूटीन में वापस, क्योंकि बहुत दिन जो है ना हम लोगों ने इंजॉय किया, तो मैं सोच रही हूँ आज है ना अपनी रूटीन में वापस आ जाएं। तो इंशाल्लाह आज मैं शेयर करूंगी। और जब हम लोग आए हैं ना यहाँ पे, मैं आप लोगों को बताती हूँ, हमारे घर में इतनी ज़्यादा मिट्टी आई हुई थी, इतनी ज़्यादा कि कुछ भी चीज़ पे आप हाथ लगा लो ना तो पता चलता है कि मिट्टी जो है ना जम चुकी है। तो साथ में कुछ क्लीनिंग भी करूँगी, साथ में अभी अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि रात को हम पहुँचे थे 10 बजे। और अभी तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है कि फ्रिज में कुछ पड़ा भी है कि नहीं, और देखते हैं कि फ्रिज में क्या है, मैं आप लोगों को साथ ही दिखाती हूँ। जी, फ्रिज ओपन करते हैं तो कुछ भी नहीं पड़ा होगा, मतलब वो तो पिज़्ज़ा सॉस पड़ी हुई है, ब्रेड, ये बर्गर पड़े हुए हैं, और मीठे चावल मैंने बनाए थे वो पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है यार। या तो अंडा बॉईल कर लेती हूँ और देखती हूँ, लेट्स सी क्या बनाती हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं है। आटा गूंदना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, भूख लगी हुई है। सुबह का नाश्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिलहाल तो तुम बाहर आओ ना। मज़े की बात है, फ्रिज में कुछ भी नहीं था और कुछ समझ नहीं आ रही अब मैं क्या करूं। तो फिलहाल गुलमीत को यहाँ पे फीडर दे दिया है कि वो अपना दूध पी ले, और मैं सोचती हूँ बैठ के कि मैं अपने लिए क्या अपना। और जैसे मैं कैमरा उठाती हूँ ना, मेरा बेटा मुझे इतने गौर से देख रहा था कि पता नहीं माँ मेरी को क्या हो गया। मैं भी आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं घूनने लगी हूँ आटा, क्योंकि मैं शायद वो वाहिद बंदी हूँ जो, मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रेकफास्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। और अभी आटा गूंदूंगी, फिर साथ में चाय। कुछ लोग होते हैं कि सालन वगैरह लाजमी हो साथ में, तभी वो ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन मेरा ये होता है कि पराठा और चाय भी हो जाए ना तो मैं उसी में बड़ी खुश हो जाती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे पराठा बना लूंगी, और सालन वगैरह था नहीं तो फिर मैंने सोचा साथ में चाय बना लेती हूँ। और चाय मेरी मोस्ट फेवरेट है, मैं दिन में 2 दफ़ा पीती हूँ। और फिर आपको पता है रात को मैंने सूप पीना होता है, इसकी वजह से मैं सिर्फ ट्राई करती हूँ दोपहर का नाश्ता, तो सॉरी दोपहर का जो खाना होता है वो कम करती हूँ, और जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो बहुत हैवी, ज़्यादा हैवी करती हूँ। और बस यहाँ पे पराठा बना लूंगी, और उस पर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। मैं ट्राई करती हूँ डिफरेंट पराठा बनाऊँ, कभी लेयर वाला बनाऊँ, कभी समोसा बनाऊँ, कभी ये वो, तो डिफरेंट डिफरेंट पराठा बनाती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं लच्छा पराठा बनाने लगी थी, और जो पराठा बनाती हूँ उसमें मैं हमेशा देसी घी लगाती हूँ, क्योंकि देसी घी बहुत अच्छा होता है, आपके सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं जो दूसरा वाला घी है या ऑयल वगैरह है वो चीज़ें यूज़ नहीं करती, मैं देसी घी का ही बनाती हूँ। और अपने बेटे को भी सुबह के टाइम एक हाँ छोटा सा पराठा बना के खिलाती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं गुल हमीद की रूटीन भी शेयर करूंगी, उसको भी एक पराठा जो है ना खिलाती हूँ पक्का दही के साथ, और मैं जो है चाय के साथ खा लेती हूँ। तो ये होती है हमारी मॉर्निंग की रूटीन, और अब इसको बना के मैं तकरीबन हाफ आवर के लिए रख दूंगी। वाली चेयर्स जो है ना, मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं शिफ्ट कर दूँ, बड़े अरसे से ये यहीं पड़ी थी और आज डे आ गया है इनका, कि इनको मुझे शिफ्ट कर देना चाहिए बाहर हॉल में, क्योंकि अब वो भी वॉक करता है। ए, क्या खा रहे हो? हॉल में इंटर होंगे तो सामने ये दो चेयर्स नज़र आती हैं, और वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला इग्नोर। तो यहाँ पे ये देखें फुल सेटअप, बड़ा मज़ा कर रहा है यार ये, यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो गुल का ब्लैंकेट वगैरह डाला हुआ है ताकि वो जब उसका रेस्ट करने का दिल करे तो वहाँ पर रेस्ट कर ले। और यहाँ पे जो है ना दो चेयर्स लगे, यार गुल हमीद है वो वॉक करने लगे, तो इसलिए फिर बहुत आसान है हमारे लिए। और जी चेयर सेट कर दी, और गुल हमीद की ये चेयर मुझे बहुत अच्छी लगी है कि एकदम से उसने खड़ा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और उसने चलना स्टार्ट कर दिया है। घिरता भी है, कभी चलता है कभी घिरता है, तो उसका भी यही टाइम चल रहा है, लेकिन बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि एकदम से माशाल्लाह, वो पहले हमें तंग करता था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करता। चेयर्स भी सेट कर दिए हैं, बहुत बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी लग रही है। मतलब आप जब भी हॉल में इंटर होते हो सामने पड़ी होंगी, और ये जो है ना बहुत ही डिसेंट लुक दे रही है, तो मुझे तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। और अभी जो है ब्रेकफास्ट करते हैं, चेयर्स वगैरह सेट कर लिए हैं क्योंकि मैंने वो जो पराठा बना के रखा था अब उसको जो है ना कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, ये दोनों हम लोग लेकर आए थे हराज से, एक को जो है ना मैंने सोचा है कि अपने
ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सेट कर देती हूँ, काफी अच्छा लगेगा। और अभी इसकी जो बेडशीट है वो भी चेंज करने वाली है, क्योंकि मुझे इसकी बेडशीट की लुक बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। तो ये देखिए फाइनली इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और ये मेरा मिरर जो है ना, इंशाल्लाह दुआ करना ठीक हो जाए, फिलहाल जो है ना क्रैक हो गया है। और बस इसकी भी सेटिंग करने वाली है। यहाँ पे टेंट होता है ना, वो गिर गया था, तो उसको भी करना है, इसकी बेडशीट भी चेंज करनी है। तो इसका आप लोगों ने बताना है कि ये कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक हो गया, मेरे बेटे को शौक चढ़ा हुआ चलने का। और ये जो मैं आपको फ्लावर दिखाए थे, ये मैं लेकर आई थी हेराज से, शायद मैंने लास्ट जब जद्दा गई थी उससे पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया था, तो उसमें मैंने दिखाया था कि हम लोग ये चीज़ हेराज से लेकर आए हैं। तो इस तरह के दो मिल गए थे, एक मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया था और एक जो अभी मैंने आपके सामने ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया है। और एक अभी रहता है, उसकी कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ पे लगाएं, क्योंकि उसकी शेप ही इतनी अजीब सी है कि उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उसको क्या करना है। और बस यहाँ पे अपनी ब्रेकफास्ट की जो है तैयारी कर रही हूँ साथ में, और साथ में गुल हमी जो है ना, इस टाइम मुझे इतना तंग करता है, इस टाइम पे इतना ज़्यादा डर होता है ना कि अब भी कोई चीज़ को पकड़ लेगा और गर्म चीज़ को पकड़ लेगा। तो उसको मना भी करते हैं, उसको समझ भी आती है, लेकिन उसको अभी इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती कि अगर हाथ लग गया तो उसके साथ क्या होगा। तो बस जब नाश्ता बना रही होती हूँ तो इसी वजह से मेरा पूरा ध्यान इतना नाश्ते पर नहीं होता जितना मेरा अपने बेटे पर होता है। ये देखिए, अगर मैं आप देखेंगे ना ध्यान से, तो मैं बार बार वापस जा रही हूँ क्योंकि मैं उसको पीछे छोड़ के आती हूँ। और बस जी, यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है। और चीनी मैं बिल्कुल भी, पहले आप लोगों ने देखा होगा जब मैं लास्ट 2 महीने पहले जब मैं वीडियो बनाती थी, तो मैं चीनी हमेशा 1 कप में 2 चम्मच चीनी डालती, लेकिन अब क्या होता है कि अब मैं 1 कप में भी हाफ भी नहीं डालती। और इससे ये मुझे फर्क जो फील हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि मेरा वेट जो है ना एकदम से, पहले 68 था, फिर 60, और अब मेरा जो है ना 58 या 57 पे आ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलहमीद सेम उसी रूटीन में माशाल्लाह से चलने की कोशिश में लगा रहता है। और बस यहाँ पे मैं भी पराठा खाऊंगी और उसको भी दूंगी साथ में, वो भी अपना पराठा जो है ना इंजॉय करेगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक करने से वीडियो की रेटिंग अच्छी होती है, तो ज़रूर आप लोग लाइक करना मत भूला करें। तो 1K इस वीडियो पर आप लोगों ने लाइक ज़रूर करने हैं। हो गए हैं जितने भी, मैं कल कपड़े लेकर आई थी जो गंदे हो गए थे हमारे पूरे ट्रैवलिंग के दौरान में, वो सारे वॉश कर लिए। अब जाती हूँ उनको तय लगाती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तकरीबन तकरीबन मेरे 2 घंटे लग गए हैं वॉशिंग मशीन लगाते लगाते, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि पता है सम टाइम ऐसे काम होते हैं कि फिर वो रिकॉर्ड नहीं होते, बस बंदा कहता है कि जल्दी से ख़त्म हो जाए। और साथ में मुझे ना एक कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आ रहे थे, एक नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि वाकई आप अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ हैं। तो इसके ऊपर जो है ना इंशाल्लाह मैं कल वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर। आप लोगों ने पहले मुझे बताना है कि आप लोगों को लगता है कि मैं अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ हूँ, और सॉरी क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट कर दिए हैं कि आप बता नहीं रही कि आपकी पहले हस्बैंड की शादी हुई है, ये वो, उन्होंने फुल स्टोरियां जो है ना वहाँ पे चलाई हुई है मेरे कमेंट सेक्शन में। तो पहले आप लोग बताएं क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह कल मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि हम लोगों ने पार्क जाना है, तो फिर आप लोगों के साथ रिवील करूँगी कि ये बात सच है कि नहीं। ठीक हो गया, और देखते हैं कि कितने परसेंट लोग जो है ना गेस करते हैं कि ये बात सच है, कितने परसेंट गेस करते हैं कि ये बात सच नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों ने नेक्स्ट व्लॉग स्किप नहीं करना, तो उसमें जो है ना मैं सारी डिटेल से आप लोगों को बता दूंगी। तो बस अभी मैं आप लोगों के साथ बाकी काम शेयर करती हूँ जो भी मैं करने वाली हूँ। ये सारे वो कपड़े हैं जो मैंने वॉश करके रखे हैं, अब सबको तय लगाना इतना मुश्किल मुझे काम लग रहा है ना। और ये जो बेबी कोट है इसको मैं करने लगी हूँ सेल, वैसे भी मेरे बड़े काम आता है जब मैं कपड़े वॉश करती हूँ, सारे इसके अंदर रख देती हूँ। तो इसको अभी जो है सारे कपड़ों को तय करूंगी और इस बेबी कोट को जो है ना हम लोग सेल करने लगे हैं तकरीबन तकरीबन 200 रियाल में, क्योंकि मैंने 500 या 400 समथिंग रियाल का ये लिया था। तो इसकी जगह गुल हमीद का बेड लेंगे। और लड़के को भी नहला देती हूँ क्योंकि इसकी भी बहुत बुरी हालत हो रही है। मेरे ख्याल में जब मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ पे नाजिया भाभी ने इसको एक दफ़ा नहलाया था, और आज 2 दिन होने वाले हैं फिर से, तो ठंड होगी इस वजह से इसको नहलाती नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी नहला लेती हूँ और ख़ुद भी रेडी शेडी हो जाते हैं, और फिर इंशाल्लाह जो है ना मैं ये चीज़ें रेडी करती हूँ और फिर मिलती हूँ। ऑफिस से आगे आते साथ जो है ना गुल हमीद को खिला रहे हैं, और उम्मीद है अभी सो भी जाएगा 2 सेकंड में। और मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। अभी बताएं ये वाली सेटिंग कैसी लग रही है, ये जो मैंने की है, है? सही किया मैंने, लगा दी। मैंने कहा गुल तो वॉक करता है तो अब तो घिरेगा नहीं, नहीं इसके कॉर्नर है नहीं ना, ये देखें कॉर्नर है नहीं इसके, नहीं नहीं इंशाल्लाह नहीं घिरेगा, इसके कॉर्नर नहीं है। और वो मेरा वाला बेटा जो है ना वो 8 बजे का सुबह जागा हुआ है मेरे साथ, उसने सही धूम मचाई है। अब तकरीबन मेरे ख्याल 5 बजे का टाइम हो रहा है, तो उम्मीद है ये सो जाएगा, फिर 8 बजे उठेगा, और कल फ्राइडे है ये।
एक और हस्बैंड को बना के दिया है जूस। मैंने बना के दिया है जूस, किसने बना के दिया? मैंने, तुझे मेरी कहानी खर्च बता, किसने दोनों ने बना के मिलके दिया? बनाए हैं मैंने बनाया था अपने दोनों ने। बार चलें जी, अनार किसने आपको निकाल के दिए? ये ऑरेंज का और अनार का किसने निकाले बताओ, किसने निकाले? मैंने। अच्छा हाँ ठीक है, आज आपने निकाले। मैंने बर्तन धोए, वो देखे ना, मैंने साथ में किचन भी तो क्लीन कर दी है, हालांकि इतना इतना गंद किया था आपने। सर बनाता क्या आप, बर्तन क्लीन कर देंगे? हाँ बिल्कुल, आजो मेरा बेटा, हम पीते हैं, आजो आजो, हम यहाँ बैठ के पीते हैं, आजो 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 आजो, कम कम कम, ये लो पियो, सिप लो। और रात को खाने में मैंने बना दिए थे दाल चावल, जो कि मोस्ट फेवरेट है हम लोगों के। रात को सम टाइम ऐसा होता है कि लाइट खाते हैं, तो फिर लाइट में मैंने आज सोचा कि दाल चावल ही बना लेती हूँ, और ये बहुत यम्मी लगते हैं। साथ में अचार था, साथ में सैलेड था, और साथ में दाल चावल, बस ये, और गुलामीत भी खा लेते। तो आजकल चीज़ें ऐसी ही ट्राई कर रही हूँ जो हम सब मिल के फैमिली बैठ के खाएँ, ना कि गुलामीत के लिए अलग से बनाना पड़े। तो वो माशाल्लाह से अब हमारे साथ जो भी मैं बना देती हूँ तो उसको इंजॉय करता है। लगे हैं सोने, आजकल मुझे बहुत शौक चढ़ रहा है हर वक्त तैयार रहने का। ये देखिए, मैंने आज ना आईज पे मेकअप ट्राई किया था, पत्नी आप लोगों को नज़र आ भी रहा है कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ से ना ख़राब हो गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है कि आजकल मैं मेकअप करूँ और सीखूँ, क्योंकि आज मैंने ऑरेंज वाला किया था और साथ में थोड़ा सा गोल्डन, क्योंकि मेरा ड्रेस जो है ना वो कुछ इस तरह का है, और ये मुझे भाभी नाजिया ने गिफ्ट किया था जब वो फर्स्ट टाइम आई थी। थोड़ा खुला है क्योंकि आपको पता है यहाँ पर फिटिंग का बड़ा मसला होता है। तो बस अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह हाफिज़। और मैं भी जो है ना अपने लास्ट वाले काम फिनिश करती हूँ, जैसे कि ये कर्टन डालने हैं और गुल के फीडर वगैरह, मैंने सब कुछ वॉश कर लिया। तो बस इसी ब्लॉग के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।